So hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Ada. Now, Ada and Moose Instagram change हो करके हो गया है. Create something new with Ani. Okay? So चलिए start करते हैं हम अपना video. So इस वीडियो में ये वीडियो है टीचर्स डे स्पेशल, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टीचर्स डे कार्ड. तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए ऐसा एक वाइट पेपर, और इस वाइट पेपर को मैंने ऐसे इस शेप में कट कर लिया है. तो चलिए पहले मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड करके बताता हूँ ताकि आपको आज करते हैं मैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको पहले ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद हमें हाथ से फोल्ड कर लेना है ऐसे. एंड आफ्टर दैट हमें इसे ओपन करना है, इसको उसके ऊपर रखना है जहाँ तक आ रहा है, इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे. तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा. फिर हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से कर्व कर लेना है. सो अब हम चलिए बनाते हैं, यहाँ डोर है ये ऐसे इस तरीके से ओपन होगा. तो हम लोग इसी के लिए चलिए कुछ बनाते हैं. तो टीचर्स डे या कुछ इस टाइप से हमें लिखते हैं इसके ऊपर. बट उससे पहले हमें एक क्या कहते हैं बैकवर्ड, वो भी चाहिए एक सॉलिड चीज़. तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कार्डबोर्ड. तो चलिए पहले इसको हम लोग कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देते हैं. सो फ्रेंड्स ये रहा कार्डबोर्ड. तो चलिए अब इसको इसके शेप का कट कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स ये इसके शेप का कट हो गया है, इधर चलिए हम लोग पेस्ट कर देते हैं. इसे देखिए मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है. अब जो इधर जो साइड साइड में जो एजेस हैं इनको हम ट्रिम कर लेते हैं. ओके तो फ्रेंड्स ये पेस्ट हो गया है और ये सब थोड़ा हार्ड भी हो गया है. सो चलिए हम लोग इसको इस पेपर को डेकोरेट करते हैं. सो इसके लिए हमें एक और कलर का चार्ट पेपर चाहिए. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास येलो कलर का वेस्ट पेपर है. सो मैं इससे क्या कहते हैं डोर के आगे की डेकोरेशन बनाऊँगा. सो चलिए बनाते हैं पहले इसे. तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं. सो फ्रेंड्स ये इसके इक्वल है देखिए. सो मैं इसको कट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा इसका डोर के लिए काट लिया है. अब ऐसा मैं सेकेंड भी काटना चाह रहा हूँ. तो ऐसा मैं कुछ कर लेना है. सो हमें इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है क्योंकि टीचर्स डे के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है. तो हम लोग चलते हैं अंदर. सो अंदर भी कुछ नहीं करना है, अंदर बस हमें चाहिए एक का अंदर के लिए हमें चाहिए एक पेंसिल और अच्छा स्केल और एक हाइलाइटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले एक का अंदर एरिया बनाना है जिसमें हम हाइलाइटर फिल करेंगे. वो इन कॉर्नर्स से थोड़ा अंदर होगा. सो चलिए बनाते हैं इसको भी. फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ इंटरफेस बन गया है. अब चलिए इसमें फिल करते हैं हाइलाइटर स्टैंड हाइलाइटर. सो फ्री कैट सेट. सो फ्रेंड्स मैं इसको आपको कलर करके दिखाता हूँ कि इसको कलर फिल किस टाइप से करना है. ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपसे कलर करना. इससे पहले आपको अपने एजेस को ड्रॉ करना है. मैं स्केल की हेल्प ले रहा हूँ, आप बिना स्केल के भी कर सकते हैं. चलते बता देता हूँ आपको. यहाँ देखिए ये जो टिप है ये वाली, इसका एकदम स्ट्रेट रखें, एकदम ऐसे स्ट्रेट. वरना ये जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इससे कलर लग सकता है आउटर सरफेस पे. आप चाहें तो पिंक ब्लू ऑरेंज ग्रीन या क्या कहते हैं थोड़ा जो ब्लश टिंट कलर वाले भी हाइलाइटर्स आते हैं और वाइट टिंट के भी हाइलाइटर्स आते हैं अपन कब इस्तेमाल कर सकते हैं. बट मुझे नियॉन कलर का ज़्यादा परफेक्ट लगा तो मैंने इसको ले लिया. सही हो गया.
देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा इधर जो साइड साइड वाले एरिया है इन पे हम पहले हल्का सा हाईलाइट अप्लाई करके देखते हैं, अच्छी नहीं लग रहा है तो उनसे हम ट्रिम कर देते हैं। इसके फ्रेंड्स इसके अच्छे ट्रिम हो चुके हैं। सो लेट्स सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे। जो भी सब्जेक्ट का नाम है आप वो लिख लीजिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप चाहे साइंस मैथ सोशल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स एंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिखी रहा होगा ये दो थॉट्स लिखे हैं, यहाँ पे एक इमोजी बनाया है। चलिए इस पर मैं एक दो स्टिकर्स भी लगाऊंगा, और अगर आपको स्टिकर की एक सेपरेट वीडियो देखनी है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, या मैं एक वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो ऐसे चैनल मेरे फ्रेंड का है ना, तो मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे स्टिकर्स बनाए हैं, सो मैं उसकी वीडियो के लिंक नीचे डाल दूँगा है ना, तो आप उससे जा कर के स्टिकर्स बनाने भी सीख सकते हैं। अगर आपको लिंक अगर आपको मुझसे नॉलेज नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टिकर्स और भी डीआईवाई स्टिकर्स लेके आऊँगा। ओके सो चलिए अभी हम इस पर स्टिकर पेस्ट करते हैं, स्टिकर पेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मेरे पास स्टोन था तो मैंने इसके यहाँ पेस्ट कर दिया, एक कॉर्न स्टोन है।
उसको याद हमें ठीक से पेस्ट कर देते हैं। तभी फ्रांसली दूर वाला लुक दे रहा है और मेरे पास के सबसे पास में सो फ्रेंड्स अगर उसका साइज सिखाते हैं आ रहा है तो चलिए इसके बाद पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। तुम्हें ख्याल से बनी काफ़ी लग रहा है रेडी है हमारा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा टीचर्स डे।